क्वेश्चन नंबर टू, देखिए इन्होंने क्या दिया, गिवेन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स, यानी क्वेश्चन नंबर टू में ई पार्ट है, हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन इन्होंने ये पूछ दिया है, नीचे सममिति रेखाएं दी गई हैं, जैसे कि ये दिया गया है, ठीक है, और आगे इन्होंने ये पूछा है अन्य छेद ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए ए पार्ट में देखिए, एक इधर क्या है, सर्कल है छोटा सा मान लीजिए, तो इसके अपोजिट साइड हमें बनाना है। यानी अगर एक बॉक्स, ये जो लाइन दी गई है, इधर एक बॉक्स में एक गोला मिल गया आपको, तो इस वाले बॉक्स में किस साइड गोला रहेगा, इस साइड रहेगा यहाँ पे। बी पार्ट में देखिए, अगर ये नीचे दिया गया है, ये सिमेट्री बॉक्स है, लाइन है, ठीक है, तो अगर नीचे दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इस वाली बॉक्स में यहां फिल करेंगे, ठीक है। ये ट्रेंगल मिला सी पार्ट में, तो यहाँ पे देखिए इस साइड में हमारा एक छोटा सा गोला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में एक इधर बनाएंगे, करना क्या है वही करना है। चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये मिला हमारा ए पार्ट, तो यहां पे लिख लीजिएगा लाइंस ऑफ सिमेट्री, और यहां पे लिखेंगे अदर होल्स ऑन फिगर्स, ठीक है। तो देखिए ए पार्ट में ये सिमेट्री लाइन है ऐसे, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, एंसुअर वाले में हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसा है वैसे ही। देखिए हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे एक लाइन हमने क्या किया, ड्रॉ किया, ये आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइन हमने क्या किया, सिमेट्री ड्रॉ किया। अब देखिए इसमें ये जो छोटा सा होल है यहां पे, तो हमारा किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो हम क्या करेंगे यहां पे राइट साइड क्या करेंगे, बना देंगे होल इस साइड, बस हो गया आंसर। अब चलिए बी पार्ट में, तो देखिए बी पार्ट में हमारे नीचे के साइड में होल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे ऐसे, देखिए, ठीक है, देखिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये फर्स्ट सेकंड क्लास टाइप के ही मैथ दिया गया है इसमें, ठीक है। अब देखिए हमने ये वाली लाइन हमने यहां पे क्या किया, ड्रॉ किया। अब देखिए ये नीचे के साइड में क्या है, होल है, यानी यहां पे तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट में होल दे देंगे, यानी यहां पे, बस करना क्या, अपोजिट बताना है। चलिए बात करते हैं आप सी पार्ट की, तो देखिए सी पार्ट में देखिए एक ट्रेंगल है, और ट्रेंगल में ये एक हमारी सिमेट्री लाइन है, तो चलिए पहले इसमें भी हम लाइन खींच दे ऐसे, देखिए अब आपको पता भी लग गया होगा कि हम जो होल्स बनाएंगे किस साइड बनाएंगे। अब देखिए सेम मिला हमारा सिमेट्री लाइन, तो लेफ्ट साइड में होल है, तो इसमें हम किस साइड बनाएंगे, राइट साइड में, ठीक है, इस साइड, बस सॉल्व है। बात करते हैं डी पार्ट की, तो देखिए डी पार्ट में सबसे पहले देखिए ये लाइन है डी पार्ट की, तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ठीक है, ये हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, एक हमने लाइन ड्रॉ किया। अब देखिए इसमें ऊपर की साइड में, यानी इस साइड में क्या है, होल है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड बनाएंगे होल, मतलब जिधर दिया गया है हमें उधर नहीं बना था, अपोजिट साइड क्या करना है, बनाना है। बात करते हैं ई पार्ट की, तो देखिए ई पार्ट में, तो ई पार्ट में देखिए जैसा ये लाइन है, इसमें देखिए इसमें तो सेम आंसर भी दिया गया, क्योंकि इसका अपोजिट भी दिया गया, तो हम क्या करेंगे यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, सेम ही कर लेंगे, आंसर दी गई है, इसमें कुछ करना नहीं है, ऐसे लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है, देखिए, ठीक है, बस करना क्या है, जैसा है वैसे ही बना देंगे ऐसे, एक यहां दे देंगे और एक यहां पे दे देंगे, ठीक है, ऐसे बस सॉल्व है, ये ऑलरेडी इसका अपोजिट दिया गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।